नमस्कार, सी न्यूज भारत में आपका एक बार फिर से स्वागत है न्यूज बुलेटिन में। इस बुलेटिन में बात करेंगे भोपाल की, जहां 10% से अधिक फीस सहित अन्य मद में वृद्धि करने वाले स्कूल संचालकों पर होगी कार्रवाई। आगे बात करेंगे गाजीपुर के, जहां जनसत्ता दल लोकतांत्रिक पार्टी के प्रदेश उप सचिव राजेश सिंह के आवास पर हुआ राम कथा का आयोजन। साथ ही आगे चर्चा होगी पाकुड़ की, जहां झामुमो नेत्री कल्पना सोरेन ने विजय हांसदा के लिए मांगा वोट। और भी तमाम खबरों पर आइए करते हैं विस्तार से चर्चा। भोपाल में कलेक्टर के अनुमोदन के बिना 10% से अधिक फीस सहित अन्य मद में वृद्धि करने वाले स्कूल संचालकों पर भोपाल कलेक्टर कौशलेंद्र विक्रम सिंह ने कार्यवाही करने की बात कही है। उन्होंने कहा कि एसडीएम जज और स्कूल शिक्षा विभाग के अधिकारियों के नेतृत्व में संयुक्त टीम बनाई गई है, जो पिछले 3 साल का डेटा खंगाल रही है। जिन स्कूलों ने बिना कलेक्टर के अनुमोदन के 10% से ज्यादा वृद्धि की है, उन स्कूलों के खिलाफ नियमानुसार कार्यवाही की जाएगी। देखिए, हाँ, आप ठीक कह रहे हैं। अभी कॉपी किताबों पे हमने कार्रवाई भी की थी, कई स्कूलों पे हमने टीमें भेज के और दुकानों पे। अभी जो फीस वृद्धि वाला है, उसमें हमने 3 साल का डेटा मंगाया है कि 10% से ऊपर कोई फीस वृद्धि किसी स्कूल ने तो नहीं की है जो गिवन नॉर्म्स हैं। उसके लिए हमने मजिस्ट्रेट के नेतृत्व में, तहसीलदारों के नेतृत्व में, शिक्षा विभाग के नेतृत्व में टीम बनाई है और वो सारे डॉक्यूमेंट्स हम लोग कलेक्ट कर रहे हैं और उसके बाद हम उस पर कार्रवाई करें। नए सेशन के शुरू होने के क्या है, ये इस फीस वृद्धि जो है ये लॉन्ग टर्म की बात है। ये रूल्स है कि 10% से ऊपर कोई बिना कलेक्टर की अनुमोदन के नहीं बढ़ा सकता है। तो ये सिस्टमेटिकली हम इसको कोशिश करेंगे कि कहीं पर भी नॉर्म्स का उल्लंघन ना हो, और ये भी ना हो कि जो फीस है, जो जिसको कोचिंग फीस या शिक्षा फीस कहते हैं, उसमें तो वृद्धि नहीं करी और दूसरे हेड्स में अननेसेसरी बहुत सारा बढ़ा दिया। तो वो पूरा ही डिटेल इंक्वायरी करा रहे हैं। भोपाल से सी न्यूज संवाददाता मनीष वर्मा की रिपोर्ट। बुलंदशहर में पुलिस के साथ बदसलूकी और हाथापाई करने का वीडियो वायरल हो रहा है। पुलिस के साथ बदतमीजी, गंदी गंदी गालियां देती और हमलावर होती युवतियों को वीडियो में साफ देखा जा सकता है। पुलिस टीम की मौजूदगी में पीड़ित युवकों को पीटा। पुलिस के हस्तक्षेप के बाद भी नहीं रुके हमलावर युवक और युवतियाँ। कोल्ड ड्रिंक के पैसों को लेकर 2 युवकों से विवाद हुआ था। बता दें कि पीड़ित युवकों की मोटरसाइकिल भी आरोपियों के घर से बरामद हुई है। वहीं सूचना पर पहुंचे थे कस्बा चौकी इंचार्ज कोमल कुंतल और हेड कांस्टेबल घनश्याम शर्मा। माहौल खराब होने पर मौके से लौटी पुलिस और 6 लोगों के खिलाफ शांति भंग का मामला दर्ज कर लिया गया है। अंकुर कुमार, पिताजी का किशन लाल सिंह। क्या बात हुई बेटा? सर, हम निकल के आ रहे थे, वहाँ बाइक खड़ी करी है, हम कुछ लेने के लिए उतरे थे दुकान पे। नितिन शर्मा ने माल वो इस पे हाथापाई करी है, डंडे से और ईंट मारी है। उसका भाई था नितिन शर्मा का। क्या फिर क्या हुआ? फिर क्या, वो बाइक छीन के ले गए हमारी सर वहाँ से। कौन सा क्या नंबर है बाइक का? UP 13 और CE 49 39 49। तुम्हारा बेटा? रवि सैनी। क्या बात है बेटा? बात कुछ नहीं है सर, हम कोल्ड पीना उतरे थे, उन्होंने माल ला दी। नितिन शर्मा था और एक लौंडा और था, उन्होंने हमें बहुत मार लगाई है, हमारी गाड़ी छीन ली है। गाड़ी ली? क्या नंबर है गाड़ी का? गाड़ी का नंबर है 39 49। किसके नाम है? पापन के नाम है। क्या है पापा का नाम? राम सैनी। बुलंदशहर से सी न्यूज संवाददाता अदनान अबाद की रिपोर्ट। खबर जनपद गाजीपुर के कासिमाबाद से है, जहां जनसत्ता दल लोकतांत्रिक पार्टी के प्रदेश उप सचिव राजेश सिंह उर्फ पप्पू जी के आवास पर संगीतमय श्रीराम कथा का आयोजन हुआ, जिसमें श्रीराम कथा 20 मई से 28 मई तक चलती रही, जिसमें कथा व्यास श्री गोपाल नंद जी महाराज ने अपने कथा से सबका मन मोह लिया। इस कथा में जम्मू कश्मीर LG मनोज सिन्हा ने भी उपस्थित रहकर इसका आनंद लिया। ये कथा शाम 6 बजे से 9 बजे तक होती रही। कथा सुनने के लिए सैकड़ों श्रद्धालु उपस्थित रहकर इस कथा का आनंद लेते नजर आए। वह आज श्रीराम कथा के उपलक्ष्य में प्रदेश उप सचिव राजेश सिंह ने श्रद्धालुओं के लिए विशाल भंडारे का आयोजन कराया। इस कार्यक्रम के निवेदक पूर्व ब्लॉक प्रमुख बीना सिंह व देवेंद्र सिंह रहे। गाजीपुर से सी न्यूज संवाददाता रमेश यादव की रिपोर्ट। राजमहल संसदीय सीट से झारखंड मुक्ति मोर्चा प्रत्याशी विजय हासंदा के लिए वोट मांगने स्टार प्रचारक कल्पना मुर्मू सोरेन पाकुड़ पहुंची। झामुमो की स्टार प्रचारक कल्पना ने पाकुड़ प्रखंड के रहसपुर एवं हिरनपुर प्रखंड के हटिया मैदान में अंतिम चुनावी सभा को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी ने हेमंत को जेल नहीं भेजा, बल्कि झारखंडियों के सम्मान स्वाभिमान को जेल भेजा है, जिसका बदला 1 जून को तीर धनुष छाप पर बटन दबाकर लेना है। झामुमो स्टार प्रचारक ने कहा कि संथाल की धरती से शोषण अत्याचार के खिलाफ हुल एवं उल्लाघन हुआ था।
और लोकसभा चुनाव के अंतिम चरण में यहाँ की जनता भाजपा के खिलाफ एक हुल एवं उलगलान कर राजमहल, दुमका और गोड्डा से भाजपा को हराने का काम करेगी। झामुमो नेत्री ने कहा कि बढ़ती महंगाई, बेरोजगारी को ध्यान में रखकर आगामी 1 जून को मतदान करना है और झारखंड मुक्ति मोर्चा को राजमहल से भारी मतों से जिताना है। बहुत सह लिया है झारखंड के साथ साथ भारत की आवाम ने, अब ये वक्त आ गया है कि इनको उखाड़ फेंकना है। पाकुड़ से सीनियर संवाददाता पंकज भगत की रिपोर्ट। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने आज महेशपुर प्रखंड के काकजोल फुटबॉल मैदान में विजय संकल्प जनसभा को संबोधित किया एवं राजमहल सीट से भारतीय जनता पार्टी प्रत्याशी ताला मरांडी को जिताकर एक कमल दिल्ली को भेजने की अपील की। उन्होंने कहा कि झारखंड में पुल पुलिया सड़क बनाने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है। उन्होंने कहा विकास के लिए, देश की उन्नति के लिए आगामी 1 जून को कमल चुनाव चिन्ह पर बटन दबाकर भाजपा को जिताएं। बाबूलाल मरांडी ने कहा झारखंड मुक्ति मोर्चा एवं कांग्रेस झारखंड की जनता को ठगने, भ्रष्टाचार को बढ़ावा देने के साथ ही खनिज संपदाओं को लूटने का आरोप लगाया। जाते थे पैदल जाना पड़ता था, कांग्रेस ने तो 55 साल तक राज किया था, कभी गांव तक सड़क नहीं बनाया। भारतीय जनता पार्टी की सरकार केंद्र में बनी, भारतीय जनता पार्टी की सरकार झारखंड में बनी, गांव तक सड़क भी पहुंच गया, नदी नाला में पुल पुलिया भी बन गया। अब हम लोग गाड़ी से यात्रा करते हैं, अगर ये सुविधा किसी ने पहुँचाई है तो भारतीय जनता पार्टी ने पहुँचाया है। हम यही कहने के लिए नरेंद्र मोदी, अटल बिहारी वाजपेयी ने पहुँचाया, यही मैं कहने के लिए खड़ा हुआ हूँ। और आप सब लोग सोचो, पहले हम सब लोग अंधेरे में रहते थे, लालटेन जलाते थे, डिबरी जलाते थे, करासन तेल के लिए हम सब लोग परेशान रहते थे, कहाँ मिलेगा, कैसे मिलेगा। लेकिन बीजेपी की सरकार बनी, नरेंद्र मोदी जी देश के प्रधानमंत्री बने, दिल्ली ही नहीं बल्कि आपकी इस पकौड़िया, इस झारखंड के गाँव और घरों तक बिजली पहुँचा दिए। आज हम बिजली की प्रकाश में हम दे रहते हैं। अगर ये किसी ने कोई सुविधा पहुंचाया है तो नरेंद्र मोदी जी ने पहुंचाया है। नरेंद्र मोदी जी ने प्रधानमंत्री आवास दिया, नरेंद्र मोदी जी ने गैस के कनेक्शन दिया, नरेंद्र मोदी जी ने अनाज फ्री में प्रत्येक महीना प्रत्येक व्यक्ति को 5 किलो भेज रहे हैं। पाकुड़ से सीनियर संवाददाता पंकज भगत की रिपोर्ट। फिलहाल न्यूज बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों की जानकारी के लिए आप बने रहिए सी न्यूज भारत के साथ। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।